हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम सब एक समाज में रहते हैं। बहुत से काम तो ऐसे होते हैं जो हम खुद कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। बच्चों, वे काम कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं और उन्हें कौन कौन करता है, इस बारे में हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक आस पास के पाठ 12 काम अपने अपने में। आइए अब नजर डालते हैं एक इस वीडियो पर जिसमें आपको अलग अलग काम करते हुए लोग नजर आएंगे। बच्चों, हम परिवार में बहुत से सदस्यों के साथ रहते हैं। प्रत्येक सदस्य अपना अपना काम करता है, लेकिन परिवार में सब सदस्यों के साथ रहते हुए हम उनके कामों में भी मदद करते हैं। आइए अब हम अलग अलग कामों के बारे में जानेंगे। जैसे मकान यानी घर को कौन बनाता है? बिल्कुल सही, मजदूर। हमारे घरों को मजदूर बनाते हैं। बच्चों, घर में तो आमतौर पर माँ ही खाना बनाती है, लेकिन होटल या रेस्टोरेंट में जो खाना बनाता है उसे रसोइया कहते हैं। बच्चों, फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो हमें इन्हें जरूर खाना चाहिए ना? लेकिन फल बेचता कौन है? बिल्कुल सही, फल विक्रेता। प्यारे बच्चों, आपने सुना है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास। और कभी कभी तो ज्यादा बीमार होने पर हमें इलाज के लिए अस्पताल भी जाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, जब हमारी कार, स्कूटर आदि खराब हो जाते हैं तो उसकी मरम्मत कौन करता है? वह है मैकेनिक। बच्चों, सामान खरीदने के लिए जब आप किसी दुकान पर जाते हो तो सामान की मांग किससे करते हो? दुकानदार से। आप अपने घर के आसपास कुछ महत्वपूर्ण भवन या इमारतें भी देखते ही होंगे, जैसे बैंक, जहां पर आप अपने पैसों को जमा करवा कर सुरक्षित रख सकते हो और जरूरत पड़ने पर उसे निकाल भी सकते हो। इस बिल्डिंग को तो बच्चों आप अच्छे से पहचानते होंगे ना? बिल्कुल सही, यह है आपका प्यारा विद्यालय, जहां आप पढ़ने, अपने शिक्षक और मित्रों से बहुत सी अच्छी बातें सीखने, खेलने कूदने आदि जाते हो। लेकिन लॉकडाउन के कारण आप वहां नहीं जा पा रहे हैं। अब यह है बच्चों डाकघर, जहां से पत्र, पार्सल आदि अलग अलग स्थानों तक पहुंचाए जाते हैं। एक बात बताइए बच्चों, आप कभी शहर से बाहर घूमने जाते हैं तो कहां ठहरते हैं? होटल में ना? होटल में बच्चों रहने व खाने पीने की व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त और भी स्थान हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे बस स्टॉप, जहां पर हम बस में बैठते व उतरते हैं। दमकल केंद्र, जहां फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाली गाड़ियां खड़ी होती हैं। रेलवे स्टेशन, जहां हम कहीं
जाने के लिए रेलगाड़ी में चढ़ते और उतरते हैं। वह स्थान जहाँ पर हम मेट्रो रेल के लिए चढ़ते और उतरते हैं वह होता है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर तो बच्चों आप कई बार गए होंगे ना? प्यारे बच्चों, अब आप अपने आसपास देखो कि आपके आसपास कौन कौन से भवन हैं, उनकी एक सूची तैयार करो और स्कूल खुलने पर अपने अध्यापक को जरूर दिखाइएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए पाठ और एक नई जानकारी के साथ।